गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड, एपिसोड नंबर 38 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ गाइस, हमारे चैनल को अब लिंक ज्वाइन बटन भी मिल गया है तो जाके वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए हमें। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें एरा को दिखाया जाता है जो कि बदल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैजिशियंस होते हैं उनकी पावर्स एक गोले में भरी जा रही होती है। ये पीके का गोला नहीं है, ये मैजिक का गोला है। खैर, यहाँ पास से सभी बूढ़े बाबा लोग बात कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रे और साइमन को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा थक चुके थे उस फाइट के बाद से। उन्हें लग रहा था कि अब वो नहीं बच सकते, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नात्सु को, जहाँ पर हैप्पी काफी ज्यादा परेशान होता है उसके लिए और कहता है नात्सु उड़ जा वरना मैं तेरी तेरे को उठा ही दूंगा। शिफ्ट होता है और हमें एरा को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका होता है और उसके ऊपर आ चुका होता है ये डायमंड शेप वाला क्रिस्टल जो भी है। यहाँ पास इसमें काफी ज्यादा एनर्जी दिखाई जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसी और जूबिया को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे पड़े होते हैं। लूसी की आंख थोड़ी सी खुलती है, तभी वो बॉक्समैन और कैटगर्ल को देख लेती है और उसकी फट जाती है, तो वो चुपचाप दबा के सो जाती है ये दिखाने के लिए कि वो बेहोश है अभी भी। खैर, शिफ्ट होता है सीन और हमें दिखाया जाता है उस क्रिस्टल को जिसमें पावर भरी जा रही थी। यहाँ पे बुढ़ाउस बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पास से दिखाया जाता है जलाल को, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है उस पावर्स को लेकर। यहाँ पास से दिखाया जाता है उस हाई काउंसिल मेंबर के बूढ़े बाबा को, जो कि इनकी बातें छुप छुप के सुन रहा होता है। की दीवारों के भी गान होते हैं, तो यहाँ पास से ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब वो हेवन टावर तबाह हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और जलाल को दिखाया जाता है, यानी कि उसके दूसरे भाई को, जो कि चेस खेल रहा होता है और यहाँ पे वो मैजिक कर रहा होता है कि अब फाइट होने वाली है उस स्वॉर्डमैन गर्ल के साथ और हमारे शो के साथ। यहाँ पास से वो शो के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है हे बेबी व्हाट्स। खैर, यहाँ पास से वो उसके ऊपर कार्ड्स फेंकता है लेकिन उस कार्ड्स को वो काट देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पर थक चुका है और वहीं पर वो गिर जाता है। यहाँ पास से वो बोलता है ऐसे कैसे हो गया, मेरे कार्ड्स उस पर काम क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पास से एराजा का कार्ड उड़ रहा होता है और एराजा बोलती है कि जल्दी से शो मुझे अलग करो इस मैजिक से। यहाँ पास से वो हमला करती है लेकिन वो उस कार्ड के अंदर रह के ही उससे फाइट करना चालू कर देती है और अचानक से ही वो कार्ड फट जाता है, जिससे वो बाहर निकल आती है और बोलती है ओ या कम ऑन फाइट। यहाँ पास से पर हमला क्यों कर रही हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसा किराजा कहती है। वो बोलती है कि मैं एक असैसिन हूँ तो मुझे फाइट करना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए हैं, आई मीन जलाल से। यहाँ पास से उसका पूरा का पूरा आर्मर टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि वो उसका स्वॉर्ड इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो किसी भी तरह के आर्मर या ब्लेड्स को तोड़ सकता है, ऐसा वो बताती है, आई मीन स्वॉर्ड गर्ल बताती है। यहाँ पास से उन दोनों के फेसेस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। एराजा बोलती है रेक्योप्या, जिसके बाद वो अपना आर्मर फिर से बना लेती है बिल्कुल एक परी वाला, जिसको देख कर खैर। यहाँ पास से वो स्वॉर्ड गर्ल बोलती है ठीक है फाइट करना रेडी करते हैं, जिसके बाद वो अपना एक फाइट मारती है स्वॉर्ड चलाती है, जहाँ पास से उसके ब्लेड्स उसके आर्मर को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पास से वो पूरे के पूरे आर्मर वहीं पर टूट के गिर जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर थक के बैठ जाती है। यहाँ पास से दिखाया जाता है कि वो जो नया आर्मर था वो बिल्कुल बिखर गया एक टुकड़े जैसे, पंख जैसे। खैर, यहाँ पास से वो अपने हंसते हुए बोलती है मेरी स्वॉर्ड किसी भी ब्लेड को काट सकती है, जिसके बाद वो एक नया आर्मर बनाती है जो कि ड्रैगन आर्मर था। यहाँ पास से फाइट करना ज़्यादा जल्दी चालू करते हैं। यहाँ पे हमें साइमन को दिखाया जाता है, शो को दिखाया जाता है जो कि गिर चुका होता है। तभी राजा बोलती है कि मैं अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी हूँ, तेरी खटिया मैं अभी खड़ी करती हूँ, जिसके बाद वो अपने गुस्से में आती है और उस पर फाइट करने के लिए ज़बरदस्त पंचेस मारती स्वॉर्ड चला देती है। यहाँ पास से वो बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड अपने आर्मर उसके आर्मर के आर पार कर देती है। यहाँ पास से वो बोलती है तुम्हारे कोई भी आर्मर मेरे सामने नहीं टिकने वाले,
जिसके बाद वो खुद भी उसी फॉर्म में आ जाती है, यानी कि स्वॉर्ड फॉर्म वाले फॉर्म में आ जाती है, जहां पास से वो बोलती है कि अब मैं अभी तुम्हारी तरह के आर्मर पे नहीं हूं, और एक ये मेरे पास भी ब्लेड आ चुका है। जिसके बाद वो बोलती है फाइट करना रेडी करते हैं। यहाँ पास से हमें उसकी पिछली ज़िंदगी दिखाई जाती है, जहाँ पास से वो पूरी ज़िंदगी कैसे रही, कैसे बिताया, कैसे उसने सब कुछ लड़ा, इस जगह से वो निकलने के लिए क्या क्या किया, उसे किसने बचाया, उसने हर चीज़ वो रिमेम्बर करने लगती है। वो फेरी टेल का वो मार्क्स देखती है और वो वहाँ के लिए निकल जाती है। ऐसा वो भी बताती है कि जलाल मेरा दोस्त वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो गया और हर चीज़ मेरे लिए बदल सी गई। मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे कोई भी अकेला नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, और मैं अपने दोस्तों को पाके रहूँगी। यहाँ पास से वो लूसी के बारे में बताती है कि हम सभी एक परिवार हैं, जहाँ पर लूसी को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफें हुई, हम सब ने मिलकर उसके लिए फाइट किया। साइमन शो देखकर ये काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि राजा कितनी बदल चुकी है, वो लोगों की परवाह कितनी ज़्यादा कर रही है। यहाँ पास से हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल गुस्से में लग रही होती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती। यहाँ पास से उन दोनों के बीच की फाइट फेजर रेडी हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि अराजा का फिर से ब्लेड टूट चुका है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होते हैं, अपोजिट तरफ मुंह करके। तभी हमें उस लड़की का ब्लेड दिखाया जाता है जो कि वहीं पर पंखों की तरह से टूट जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि थक कर वहीं पर गिर जाती है और कहती है कि मुझे अब तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पास से वो खड़ी होती है और वो बोलती है ठीक है साइमन, अब तुम यहाँ से संभाल लो, मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मुझे जलाल को भी हराना है। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसके बाद वो बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नात्सु और साइमन को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और इसका फेस देख के तो मुझे कुछ याद आ गया, शायद आपको भी याद आ जाए। खैर यहाँ पास से हैप्पी नाथ ग्रेक उठाकर लेके जा रहा होता है बोट्स में, और जितने भी सैनिक होते हैं उस जगह के वो सब निकल चुके हैं बड़े से शिप में। ये हैप्पी देखकर बोलता है कि अब मैं कैसे जाऊँगा उस पार, हम लोग कैसे जाएंगे। नात्सु और साइमन वहाँ पास से ले जा रहे होते हैं। नात्सु बोलता है तुम मुझे ऐसे घसीट क्यों रहे हो, मैं बीमार हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। यहाँ पास से वो बोलता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि सभी लोग बचा लिए जा चुके हैं। यहाँ पास से कैटगर और बॉक्समैन ने उसे बचा लिया होगा, लूसी और जुविया को, और हर सभी लोगों ने हरा दिया सभी असेशंस को, और वो सब लोग निकल चुके हैं एक शिप के लिए। यहाँ पास से उस शो को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। लूसी अभी भी डर के मारे अपना आँख बंद करके बैठी होती है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी। यहाँ पास से नात्सु बोलता है क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत थी क्या जिसे उसने हरा दिया। वो बोलता है लड़की की छोड़, एराजा की सोच, एराजा यानी कि हमारी जो दोस्त है वो कितने मुश्किलों से गुजरी हुई है। जिसके बाद वो बोलता है कि एराजा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जलाल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठा होता है और बोलता है कि अब फाइट करने की बारी आ चुकी है। यहाँ पास से एराजा भी आ जाती है और वो बोलता है कैसी हो एराजा, काफ़ी साल हो गए मिले हुए हम दोनों को। यहाँ पास से वो उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करती है, तभी वो बोलता है कि हम प्लान कर रहे हैं है ना, यहाँ पास से ये स्टाइमन टावर काफ़ी जल्दी तबाह हो जाएगा और तुम भी मारी जाओगी इस जगह से। ऐसा वो कहता है और वो बोलता है मेरी ब्लैक मैजिक्स के बारे में तो तुमको पता ही होगा। जिसके बाद वो अपना ब्लैक मैजिक जगा लेता है और उसकी एक आंख पूरी की पूरी डिमोनिक हो जाती है, जिसे हमने छोटे वाले जलाल को देखा था। यहाँ पास से वो सभी लोग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि बाकी लोग ठीक होंगे कि नहीं। हैप्पी को दिखाया जाता है जो कि हैप्पी नहीं था, सैड था, और वो उन पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें सोच समझ में नहीं आ रहा क्या, नात्सु और एराजा वहाँ फंसे हुए हैं और साइमन भी। यहाँ पे साइमन उसके कॉलर पकड़ता है और बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता एराजा के बारे में, उसने कितनी तकलीफ़ें सही हैं अपनी ज़िंदगी में। जिसके बाद वो बताता है कि जब वो रो रही थी तो जलाल ही था जिसने उसका हाथ पकड़ा था, हाथ थामा था और उसे सलामती दी थी। जहाँ वो बोलता है दुखी होकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा है। एराजा को दिखाया जाता है जो कि उसकी डिमोनिक पावर से लड़ने
करने के लिए रेडी होती है, तभी वो उस पर हमला कर देती है। यहाँ पास से दिखाया जाता है कि वो बॉल भी तैयार हो चुका है पूरी एनर्जी के साथ। यहाँ पास से शो बोलता है कि हमें अभी काफ़ी ऊपर चढ़ना है क्योंकि हमें एराजा की मदद करनी है। नात्सु भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। यहाँ पास से वो अपने डिमोनिक फॉर्म के पूरे पूरे लेवल पर आ चुका होता है और कहता है कि ये देखो मेरे डिमोनिक फॉर्म का पावर, जिसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। वो उसे काफ़ी आराम से डॉच कर लेती है और काट के रख देती है। यहाँ पास से आता है हमारा जलाल और उसे मार देता है एक पंच, जिसके बाद वो दीवार तोड़कर बाहर निकल जाती है। यहाँ पास से वो फिर एंट्री लेती है उसी घर के कमरे के अंदर, फाइट फिर से चालू हो जाती है, जिसके बाद वो अपना शॉट चलाती है उस पर, लेकिन वो आराम से बच जाता है, डॉच कर लेता है जलाल। यहाँ पास से उन दोनों के बीच में बातें होना चालू हो जाती हैं। तुम बहुत ही भद्दे इंसान हो जो कि पूरे दुनिया पर क्राच करना चाहते हो, मेरे दोस्त की बॉडी से निकल जाओ, वैसे भी तुम एक बुरे मैजिशियन हो। जिसके बाद बोलता है सच में, जिसके बाद वो अपना एक फिर से बॉल बनाता है मैजिक बॉल, जिसके अंदर वो उसे कैद कर लेता है, एराजा को कैद कर लेता है, और एराजा भी उसके अंदर कैद हो जाती है और उसे एहसास भी नहीं होता। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि हैप्पी और वो काफ़ी दूर निकल चुके हैं उस हेवन टावर से। तभी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है उन सभी की, जब वो लोग उस जगह से छूट चुके थे। नात्सु बोलता है क्या अब हमें जल्दी चलना होगा, देर मत करो। यहाँ पास से वो बोलता है इस बॉल से ज़रूर बाहर आऊँगी, तुम टेंशन मत लो रे। जहाँ पास से वो बॉल को बड़े ही आराम से काट के रख देती है और वो उस जगह से बाहर निकलती है। ये देखकर उसे भी विश्वास नहीं होता वो ऐसा कैसे हो गया, जिसके बाद वो अपना शॉट चला देती है उस पर और कहती है तुम कभी नहीं बदल सकते। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और इसका अगला एपिसोड मैं काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ दोस्तों, मुझे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अब ज्वाइन बटन हमारे चैनल को मिल चुका है, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। Thank you.